सरकार आजान को लेकर इलीगल तरीके से लाउडस्पीकर पर जो एक बंद करने की मांग कुछ दिनों से हम लोगों ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लेकर हाई कोर्ट तक अनेक जजमेंट ऐसे हैं 1978 से लेकर पिटीशन जो फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट तक में और 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऑर्डर भी आया लाउडस्पीकर के खिलाफ। देखिए, हम किसी भी धर्म के खिलाफ या उनके पूजा पाठ के खिलाफ नहीं है। इलीगल तरीके से जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उसको उतारना चाहिए, ये हमारी सिर्फ मांग है। 1998 में रिट पिटीशन 72 सुप्रीम कोर्ट में नॉइस पॉल्यूशन को लेकर एक दाखिल हुई थी जिसका जजमेंट 18/7/2005 को आया। इसमें गाइडलाइंस दी गई सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें लाउडस्पीकर का इस्तेमाल 10 डेसिमल के ऊपर आवाज नहीं होनी चाहिए, इलीगल बिना परमिशन के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना, अवेयरनेस कि कैसे लोगों को बताना चाहिए कि नॉइस पॉल्यूशन से क्या क्या तकलीफ होती है, उसको नॉइस पॉल्यूशन को शिक्षा एजुकेशन में भी कंसीडर करना चाहिए और सरकार को गाइडलाइंस देना जनरली कि इसके ऊपर अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ता है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। डिटेल जजमेंट है। मेरा सवाल से महाराष्ट्र की सरकार माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से, माननीय होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल जी से, जो लाउडस्पीकर के ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं कि जिन्होंने उतारने की मांग की, हम उनके ऊपर धार्मिक गतिविधि या धार्मिक सेंटीमेंट हर्ट करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं इसलिए हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, हम लोग कोई धार्मिक सेंटीमेंट हर्ट करने की बात नहीं कर रहे। जो कोर्ट का कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजन या नॉइस पोल्यूशन को लेकर जो सबको राइट मिला हुआ है उसमें जो जजमेंट आया हुआ है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। इसको आप धार्मिक बात आप कर रहे हैं, धार्मिक कोई इसको किसी के भी धर्म के खिलाफ हम नहीं है। सिर्फ कोर्ट के आदेश को लागू करना चाहिए और लोगों को लाउडस्पीकर के ऊपर जो अजान सुनने से लोगों को तकलीफ हो रही है उसको बंद करना चाहिए। यही हमारी मांग माननीय गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल साहब से है। अजान होनी चाहिए लेकिन अजान आप वर्बली करिए, वॉइस से कीजिए, लाउडस्पीकर में बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र।